देखो तुम सब लोग स्कूल की हालत तो देख ही रहे हो, पूरे स्कूल में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है समझे, इसीलिए मुझे छुट्टी करना पड़ेगी। रात इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरे स्कूल में पानी भर गया। अरे ये कोई बात नहीं हुई मोदी सर जी, मैं तो 5 किलोमीटर से पढ़ने के लिए आता हूँ, अब वापस जाऊँ? अरे मुझे पढ़ाओ, थोड़ा बहुत तो पढ़ाओ कुछ। अरे केजरीवाल कैसी बात करती हो, स्कूल के कमरों तक में पानी भर गया है, क्या मैं खड़े खड़े पढ़ाऊँ तुम लोगों को? अरे मोदी सर जी अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें कल ही बोलना चाहिए था कि कल को छुट्टी है, हम क्यों आते 5 किलोमीटर से, मैं और केजरीवाल एक ही जगह से आते हैं 5 किलोमीटर से समझे, अब वापस जाएं हम। योगी जी तुम पढ़ने में इतनी अच्छी हो लेकिन ऐसी बातें करती हो, अरे कल मैं छुट्टी के बारे में कैसे बता देता, कल तो स्कूल बिल्कुल सूखा हुआ था, रात भर में इतनी बारिश हुई कि चारों तरफ पानी पानी हो गया। अरे मोदी सर जी अच्छा हुआ कि आज की छुट्टी कर दी आपने, अरे एक आध महीने की आगे छुट्टी कर दो सर जी। अरे राहुल तुम तो वैसी पढ़ने में बहुत कमजोर हो और वैसी छुट्टी के बहाने ढूंढते रहते हो, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि आज छुट्टी हो गई, तुम 1 महीने की छुट्टी मांग रहे हो, तुम्हारे लिए तो 3 महीने की भी छुट्टी कम है। जाओ घर जाओ, कल को स्कूल खुलेगा, कल तक पानी सूख जाएगा, कल को स्कूल खुलेगा राहुल समझे। अखिलेश तुम आगे को आओ, तुम ड्रेस पहन के क्यों नहीं आए मुझे ये बताओ। अरे मोदी सर जी कल मम्मी ने मेरी ड्रेस धोकर ऊपर छत पे सूखने के लिए डाली थी और आपको तो मालूम है रात बहुत बिकट बारिश हुई, उसमें मेरी ड्रेस भीग गई इसीलिए पहन के नहीं आया, अगर पहन के भी आ जाता तो क्या फायदा होता, आपने तो वैसे भी छुट्टी कर दी। तो क्या तुम्हारे घर में एक ही जोड़ी ड्रेस है अखिलेश ये बताओ। लालू जी मैंने तुम्हें 5,000 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, याद कर लो। क्या योगी सर जी छुट्टी कर दी फिर भी तुम पढ़ाई को नहीं भूल रहे हो। अरे कहाँ तक याद करूँ मैं आपके पहाड़े, क्या 1 लाख तक मेरे पहाड़े याद करवाओगे? वैसे मोदी सर जी ये कल तक पानी स्कूल से निकल तो जाएगा, कहीं कल भी हम आए और वापस जाएं, हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे। अरे कैसी बात करते हो अमित शाह जी, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये बारिश होती रहे एक दिन भी स्कूल ना खुले, पढ़ाई करते करते तो मेरा मन भर गया है, अब मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना चाहता। अरे पढ़ाई की एक उम्र होती है, कब तक पढ़ाई करें भाई। लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी कड़ी थोड़ी पतली कर दी तुमने, थोड़ी गाढ़ी होना चाहिए थी कड़ी, इतनी पतली कड़ी खिलाओगे भंडारे में लोग बदनामी करके जाएंगे। अरे कड़ी को थोड़ा गाढ़ा बनाते, बिल्कुल पतली कड़ी है तुम्हारी। योगी जी बैठे बैठे बातें तो बनाओ मत, हाथ पे हाथ धरे बैठे पड़े हो, थोड़ी सी हेल्प नहीं करा सकते, अकेले ही इतनी बड़ी कढ़ाई में मैं कड़ी बना रहा हूँ, तुम सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठी हो। वो राहुल देखो उस कोने पे बैठा है, ओवैसी जी को बुलवा लिया था कि खाने बनाने में हेल्प करवा देंगे, ये तो उल्टा कड़ी बनते बनते 5 प्लेट कड़ी खा चुकी है। शाम होने वाली है, अभी चावल भी बनाना है, मैं सोच रहा हूँ कड़ी चावल ऐसे बनना चाहिए कि लोग कड़ी चावल खाने के बाद उंगली चाटते हुए अपने घर जाएं समझे, लेकिन तुम हेल्प ही नहीं करा रहे हो। अरे मोदी जी तुम बातें ज्यादा मत बनाया करो, इस कढ़ाई के नीचे आग किसने जलाई है? आग तो मैंने ही जलाई है, ये कड़ी की जो कढ़ाई है सिर्फ तुम कड़ी को बनाते रहे हो, नीचे आग तो मैं ही जला रहा हूँ इतनी तेज धूप में, और मुझसे कह रहे हो कि मैं काम नहीं करता हूँ, कैसी बात करती हो। भाई जो एक बात बताऊं मोदी जी, मैं आपकी कई प्लेट कड़ी खा गया, क्या गजब कड़ी बनाई है तुमने, लोग वाकई में उंगली चाटते हुए जाएंगे, मैंने कड़ी खाई है समझो उंगली चाट रहा हूँ मैं, अगर चावल मिल जाते तो मजा ही आ जाता, कड़ी के साथ चावल बहुत ही बढ़िया लगते, जल्दी बनाओ चावल। अरे उमेशी जी हम तो बना ही रहे हैं, बनाते रहेंगे, कड़ी बना ली चावल भी बनाएंगे, तुम ऐसी खाते रहना समझे, तुम्हें खाने के लिए ही तो बुलाया है हमने। अरे शाम को आराम से पंगत में बैठ के खाते, मैंने तुम्हें हेल्प करने के लिए बुलाया था ना कि पहले से पहले आधी कड़ी सफा करने के लिए। अरे क्या मोदी जी हल्के हल्के कड़ी निकालो, तुमने कड़ी इतनी जोर से निकाली कढ़ाई में से ये मेरे बराबर में कि मेरे ऊपर छींटे आ गई, बहुत गर्म छींटे थी, बिल्कुल जल गया मैं। तुम भी तो योगी जी बिल्कुल ट्रे में चिपट के बैठे हुए हो, कड़ी अब पक चुकी है, मैं कढ़ाई से ट्रे में कर रहा हूँ कड़ी, लेकिन तुम ट्रे के बिल्कुल बराबर में बैठे हुए हो समझे, छींटे तो आ ही जाएंगी तुम्हारे, दूर को बैठो वाला घंट के। वैसे केजरीवाल की दुकान का बेसन भी बहुत बढ़िया था, प्योर चने की दाल का बेसन था, इसीलिए इतनी बढ़िया कड़ी बनी। मैं लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।